दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं और काफ़ी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग कई काफ़ी लोगों ने हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई नई गाड़ी सीखी होती है और उनकी ड्राइविंग में इतना साफ नहीं होता है। वो गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, आगे मूवमेंट करना तो सीख लेते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी को रिवर्स लेते हैं, जब वो बैक लेते हैं, तो उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम गाड़ी होती है। बहुत सीखने के बाद परेशानी वो होती लोग कई बार गाड़ी की सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या उनके पास जो ऐसी गाड़ी होती है तो वो गाड़ी को बैक नहीं ले पाते, तो उनके मन में बहुत शंका होती है, बहुत डाउट होता है। तो ऐसे भाई लोग जिन्होंने अभी नई नई गाड़ी सीखी और जिनको रिवर्स गाड़ी को बैक लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको बहुत दिक्कत हो रही है ऐसी ये सब चीज़ें करने में, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन का लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, इस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी गाड़ी चलाएं तो आपको सबसे पहले रिवर्स लेते टाइम आपको सबसे पहले कभी भी एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, गाड़ी की सीट पर बैठते ही आप अपनी सीट को इसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, एकदम आप जब भी बैठे तो एकदम कंफर्ट होकर बैठिए, बिल्कुल कंजेस्टेड होकर नहीं बैठना है। दूसरी बात, आपको हमेशा सीट बेल्ट हमेशा पहन के रखनी है, बिना सीट बेल्ट पहने आप गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएँ। अब बात करते हैं गाड़ी को रिवर्स लेने की, तो इसका सबसे बड़ा आपको एक चीज़ का सबसे पहला भी मेन पॉइंट है गाड़ी रिवर्स लेते टाइम, सबसे पहले आपको ये देखना है कि गाड़ी का जो गियर है वो हमेशा न्यूट्रल में होना चाहिए। न्यूट्रल में आप देख लीजिए कि गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है, इसका सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए। फिर आपको ये चीज़ देखना है कि जो साइड के जो ये ओवर वी एम्स है आउट साइड, ये आप जो दोनों साइड जो मिरर देखते हैं इनको ORVMs बोला जाता है, मतलब आउट साइड रियर व्यू मिरर। इनका सबसे बड़ा मेन रोल होता है, बहुत ही इनका मेन यूज़ है जब गाड़ी बैक साइड लेते हैं। अगर ये सही से अगर आपने एडजस्ट नहीं कर रखे हैं तो आपको पीछे देखने में बहुत दिक्कत होगी, बार बार आप गर्दन मोड़ने में भी आपको दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है, ये साइड मिरर आपको हमेशा अपने हिसाब से एडजस्ट रखना है, इस प्रकार एडजस्ट रखना है कि आपको पीछे का जो व्यू है वो आराम से ईजिली दिख सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करते हैं इस रियर व्यू मिरर की, इसका सबसे बड़ा मेन रोल है। आप कभी भी ट्रैफिक में चले हैं, बैक को गाड़ी को बैक ले हैं, तो इसका सबसे बड़ा मेन रोल आता है। इसको आप अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ये पीछे का, जैसा भी आप देख रहे होंगे पीछे का साफ साफ क्लियर दिख रहा है, इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें, इसको आपको बिल्कुल एडजस्ट करके रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है, आप पीछे की तरफ वो देख रहे होंगे, आप ये जो पीछे देख रहे होंगे जो पीछे का जो बैक जो कांच लगा हुआ है बैक साइड पीछे की सीट के पीछे, यहाँ पे आप अगर आप नए नए ड्राइवर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप कोई भी ऐसा बड़ा टॉयज़ या कोई कई लोग टेडी बियर रख देते हैं तो बैग वगैरह रख देते तो पीछे उनको दिखता नहीं है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप नए नए ड्राइवर हैं तो प्लीज़ पीछे कुछ ऐसा बड़ा आइटम ना रखें जो आपको पीछे ना दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सब सेट होने के बाद, ये आउटसाइड ओवर वी एम्स को सेट करने के बाद या रियर व्यू मिरर को सेट करने के बाद, जो पीछे वाला जो कांच है उसमें आपने कोई ज़्यादा आइटम तो नहीं रखा है, ये सब क्लियर जब हो जाए तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पीछे आपके कोई बाइक या कोई स्कूटर या कोई बच्चा या कोई इंसान कोई खड़ा तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए नए नए ड्राइवर होते हैं पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको पीछे इतना दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें कि पीछे आपको पूरा क्लियर कर लेना कि पीछे कोई है या नहीं है। कभी भी आप जब गाड़ी को बैक करें, बैक करने के बाद जिस भी दीवार से आपको गाड़ी को पार करना है पास में, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, एटलीस्ट 1.5 से 2 या 2.5 फीट का आप गैप हमेशा रखें। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी एकदम लोग दीवार से चिपका के लगा देते हैं, फिर कई बार ऐसा ध्यान होता नहीं है, पीछे लगा देते तो गाड़ी पीछे अड़ जाती है, चोट लगने रहता है, या फिर पीछे कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा आ जाए कुछ हो जाए उसको भी लगने का डर रहता है। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पीछे की तरफ आप ये जब बैक करें तो ये पीछे ऐसे गेट खोल के आप ऐसे पीछे ना देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी परफेक्ट ड्राइवर होगा तो वो गेट खोल के या पीछे खिड़की से झांककर एक बार तो पीछे देखेगा ही देखेगा। परफेक्ट ड्राइविंग यही होती है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिस नहीं करनी है या कोई चूक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है जिससे गाड़ी का भी नुकसान हो और किसी और का भी नुकसान हो। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस सब बातों का ध्यान रखने के बाद आप आराम से काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
कि देखिए सब गाड़ियों की साइज़ अलग अलग होती है, कई सेडान कार होती है, कई हैचबैक छोटी कार होती है और कई एसयूवी बड़ी गाड़ी होती है, सबका साइज़ अलग होता है। इसीलिए काफ़ी लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करें। अब जो नए नए ड्राइवर सीखे होते हैं उन्होंने वो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कार ड्राइविंग वाले होते हैं छोटी गाड़ियों में कार सिखाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान, ये दिक्कत बहुत लोगों के साथ आती है दिक्कत, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप नई गाड़ी सीखिए तो आप प्लीज़ ऐसा कोई भी गलती ना करें, क्योंकि हर गाड़ी की साइज़ अलग होती है। अब आपने छोटी गाड़ी में सीख लिया रिवर्स या चलाना गाड़ी सीख लिया, पीछे करना सीख लिया, अब आपके पास बड़ी गाड़ी है, सेडान कार है, उसकी डिग्गी लंबी होती है, फिर वो गाड़ी आपको तो छोटी गाड़ी के साइज़ के हिसाब से चलाता है, आपको एक्सप्रेस उसी चीज़ का होता है और वो बड़ी गाड़ी पीछे अड़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप जिस गाड़ी बैठे हो उसकी साइज़ के हिसाब से आपको गेट के बाद ज़रूर देखना है और आपको ये देखना है कि पीछे कोई लग तो नहीं रहा है। अगर आपके साथ में कोई और है तो आप उसको बोल दे भी देख मैंने नई नई गाड़ी सीखी है तो थोड़ा पीछे ध्यान रख लेना, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है और इसमें आपकी भी सेफ्टी है और सामने वाली किसी तीसरे आदमी की भी सेफ्टी है। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें, गाड़ी कौन सी है उसका भी ध्यान रखें और पीछे कोई है तो नहीं उसका भी ध्यान रखें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, काफ़ी मैंने मेन जरूरी बातें इस वीडियो में आपको बताई है, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे लिख के दे सकते हैं कि आप मुझे किस वीडियो पर और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और आने वाली जो भी मेरी वीडियोस होगी उसमें मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं नकली वीडियो में, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।